बलिया से बड़ी खबर आ रही है, पुलिस को मिला है अवैध शराब का जखीरा। जी हां, पुलिस ने 448 पेटियां शराब के साथ एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी शराब की पेटियां, कोयले की बोरियों के नीचे छिपा कर रखी गई थी 400 से भी ज्यादा पेटियां। इज्जतनगर थाना इलाके में पकड़ी गई ये अवैध शराब। लाखों की ये शराब कोयले की बोरियों के नीचे छुपाकर रखी हुई थी ये शराब की बोतलें, और बिहार ले जानी थी ये सारी बोतलें, ये सारी पेटियां। बिहार में पूरी तरह से प्रतिबंधित है शराब, और यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा से ये माल उत्तर प्रदेश के जरिए बिहार पहुंचाया जाता है, और हरियाणा से ही बिहार ले जाई जा रही थी ये शराब। लेकिन पुलिस ने यहां पर एक बड़े जखीरे को जब्त किया है।